स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ बारिश के मौसम में स्वीट कॉर्न और सूजी का इतना टेस्टी जबरदस्त सा नाश्ता, जो आपकी सुबह शाम की चाय का स्वाद और ज़्यादा बढ़ा देगा और आप इसे बार बार बना के तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्वीट कॉर्न सूजी का बहुत ही टेस्टी चटपटा सा नाश्ता। इस रेसिपी को बनाने के लिए मेजरिंग कप से एक कप मैंने ली है स्वीट कॉर्न। अब ये मैंने लिया है मिक्सर जार, तो इसमें हम स्वीट कॉर्न को डाल देंगे। अब स्वीट कॉर्न को हम हल्का सा क्रश करेंगे, सिर्फ एक से डेढ़ सेकंड के लिए आपको इसे चलाना है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं तैयार करना है इसका। स्वीट कॉर्न को हमने हल्का क्रश कर लिया है और ये देखिए इस तरीके से ही आपको इसे पीसना है। तो इसे अब हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक हरी मिर्च को, मैंने बारीक बारीक कट करके दिया है। मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक बड़े साइज का प्याज लिया था मैंने, प्याज को इस तरीके से रफली चॉप करके लिया है। आप इसमें अपनी पसंद की और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं इसे आज सिर्फ प्याज डाल के ही बनाने वाली हूँ। एक छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। आज मैं इस नाश्ते को थोड़ा तीखा चटपटा बनाने वाली हूँ। आधा चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। आप इसकी जगह पे चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं या फिर कुटी हुई काली मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक डालेंगे, आधा चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसे नाश्ते में। और इस रेगुलर वाले नाश्ते को एकदम टेस्टी और अलग सा बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच मैगी मैजिक मसाला। और जब आप इसे डाल देंगे तो इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जगह पर पाव भाजी मसाले का यूज़ कर सकते हैं या फिर आधा चम्मच चाट मसाला भी डाल सकते हैं। दो टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन, ये हमारे नाश्ते में बाइंडिंग का काम करेगा। आप इसकी जगह पर मैदे का यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉर्न फ्लोर का। आधा कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूजी, आप इसकी जगह पर बेसन डाल सकते हैं, चावल का आटा डाल सकते हैं, गेहूँ का आटा या फिर मैदा जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसे डाल के ये नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से रवा डाल के बनाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी आपका नाश्ता बन के तैयार होता है। तो एक बार आप इस तरीके से ट्राई ज़रूर करें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे नाश्ते में। अगर आपके पास हो तो डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम एक डो की तरह तैयार करेंगे। और इसमें हमने क्रश की हुई कॉर्न का यूज़ किया है, कॉर्न में मॉइस्चर होता है तो अभी हम उससे ही इसे बाइंड करेंगे। पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे अभी हम, ज़रूरत के हिसाब से ही आपको इसमें पानी का यूज़ करना है। 1 टेबल स्पून पानी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कॉर्न में मॉइस्चर ज़्यादा है तो आपको बिल्कुल भी पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये नाश्ता बनाने के लिए बैटर हमारा एकदम तैयार है। और ये देखिए इस तरीके का थिक बैटर ही आपको तैयार करना है। टोटल मैंने इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी का यूज़ किया है और आज मैंने इसमें सूजी का यूज़ किया है। सूजी हमारी फूलती भी है तो इसे हम 15 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट पे रखेंगे, जिससे सूजी हमारी अच्छे से फूल जाएगी। 15 मिनट हो चुके हैं, एक बार वापस से बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नाश्ता बनाने के लिए ये मिक्सचर हमारा एकदम रेडी है, तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। अब नाश्ते को फ्राई करने के लिए ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो ये जो हमने बैटर तैयार किया है एक एक चम्मच बैटर लेंगे और इस तरीके से डायरेक्ट ऑयल में छोड़ते जाएंगे। आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। और जब आप इस नाश्ते को फ्राई करें उस टाइम पर ऑयल आपका अच्छा गरम होना चाहिए। और जब ऑयल आपका एक बार गरम हो जाए तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे हम नाश्ते को फ्राई करते समय। एक बार में जितने आएंगे उतने ही बना के फ्राई करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता है और झटपट बन के तैयार हो जाता है। अब एक साइड से नाश्ते को हम 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। 2 मिनट हो गए हैं तो एक बार सभी को पलटा देंगे। सभी को हमने पलटा दिया है तो बीच बीच में आप इन्हें अलटाते पलटाते रहें, जिससे कि नाश्ता आपका सब तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक नाश्ते को हम फ्राई करेंगे।
नाश्ते को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक और एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है, तो निकाल लेंगे। और ऐसे ही अपने बाकी बचे हुए नाश्ते को भी फ्राई कर लेंगे। स्वीट कॉर्न सूजी के बहुत ही टेस्टी एकदम क्रिस्पी से पकौड़े हमारे तैयार हैं। आप इन्हें बारिश के मौसम में गर्मा गर्म सर्व करें, बच्चे और बड़े आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे और बार बार बनाने की जिद करेंगे। तो एक बार रेसिपी को ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ऑल बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।